इधर बेमेतरा में शरदा गांव के गौठान में 7 गायों की मौत के मामले में अब जिला पंचायत सीईओ ने सचिव नीतू साहू को निलंबित कर दिया है। कार्य में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि कुछ दिनों पहले गौठान में 7 गायों की संदिग्ध मौत हुई, जिसके बाद लगातार जांच की जा रही थी कि आखिर गायों की मौत के पीछे क्या कारण है। ऐसे में अब जिला पंचायत सीईओ ने सचिव नीतू साहू को निलंबित कर दिया। अधिक जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता राहुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कारण सामने आया है गायों की मौत के पीछे? सांगी में बता दूं कि लगातार जिस तरीके से बेमेतरा जिले में गौठानों की स्थिति है, कल बंसल न्यूज प्रमुखता के साथ में दिखाया था कि सरदा गांव है जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर, वहां पे 7 गायों की गौठानों में मौत हो गई थी। इसी के तहत में जिला पंचायत सीईओ लीना कमलेश मंडावी जांच करने पहुंची थी और प्रथम दृष्टि जहां पे सचिव स्थानीय सचिव थी उस पंचायत की गौठान का देखरेख का जिसका जिम्मा था नीतू साहू, उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसको निलंबित कर दिया गया है। लेकिन एक व्यक्ति को या एक चीजों को सस्पेंड करने या सिस्टम नहीं सुधरेगा, प्रशासन को करना होगा कि हर गौठानों की मॉनिटरिंग करनी होगी। और ऐसे कई ऐसे गौठान हैं जहां पे यही व्यवस्था है, गाय की मौत हो रही है और एक व्यक्ति को सस्पेंड करके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता जिला पंचायत। बिल्कुल राहुल, देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, 7 गायों की मौत हुई है और लगातार गौठानों से कुछ ऐसी ही खबरें आ रही हैं। ऐसे में कई सवालिया निशान खड़े होते हैं उस सिस्टम पर जिन्हें गौठानों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।